बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी हियर फ्रॉम केटीपी। वी गोना डू एक्सरसाइज 3.3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लुक, वी हैव टू सिंपलीफाई, सो लेट्स गो फॉर पार्ट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 81 के फैक्टर्स निकालेंगे। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 81। हमें रेडिकल साइन को रिमूव करना है और यू नो वेरी वेल इसकी वैल्यू है 1/4। तो रेडिकल सिंबल को रिमूव करके हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 81। 3 × 3 × 3 × 3। वी हैव एक्स to the power minus 8 and z to the power 4. इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। नाउ लेट्स गो फॉर सिंप्लीफिकेशन। 1, 2, 3, 4। Take x minus 8 as it is and z to the power 4. Whole power here 1/4. याद रखिए 1/4 मेन पावर है। इसे इन तमाम पावर्स पर अलग अलग रख दीजिए। x माइनस 8 मेन पावर मल्टीप्लाई होगी, z z टू द पावर 4, इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से कैंसिल, 4 × 4 × 4 = 8। यहां पर भी 4 से कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 3 एंड x टू द पावर माइनस 2 एंड g। x की साइन x की पावर माइनस में है और इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगी। सो वी हैव 3z/x^2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल we will get the factors of 256. These are the factors of 256. Radical sign पर आपको cube नजर आ रहा है। हमें इस radical sign को remove करना है, exponential form में लेकर आना है और you know very well its value is 1/3। तो आइए इसे exponential form में लिखते हैं। यहाँ पर cube है तो लिहाजा हम इनके जो ग्रुप्स बनाएंगे वो 3-3 के रखेंगे इफ़ पॉसिबल। ये 3 हैं, इसी तरह ये 3 और ये 2। तो आइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 2 × 3 2 × 3 and 2² a 2^6
b टू द पावर 12 एंड c टू द पावर 9। रेडिकल साइन हमने रिमूव कर दिया और ये मेन पावर यहाँ आ गई। अब इस मेन पावर से इन तमाम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वन अपॉन थ्री, 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 वन अपॉन थ्री। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई बाय कैंसिलेशन। थ्री कैंसिल्ड बाय थ्री, थ्री कैंसिल्ड बाय थ्री, थ्री वन द थ्री, थ्री टू द सिक्स, थ्री वन द थ्री, थ्री फोर द ट्वेल्व, थ्री वन द थ्री, थ्री थ्री द नाइन। सो वी आर लेफ्ट विथ टू टू टू। यहां पर आप देख सकते हैं टू वन द टू एंड डिनोमिनेटर है थ्री। ए टू वन द टू, बी और इसकी पावर है फोर वन द फोर, एंड बी है सी टू द पावर थ्री। नाउ लेट्स गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं इसकी पावर फ्रैक्शन में है। तो इसका हल ये है कि इसे हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे। रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर आए थे, लेकिन चूंकि यहां पर पावर फ्रैक्शन में है तो इसे वापस रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। टू टू द फोर और रेडिकल फॉर्म ये होगी ए स्क्वायर बी टू द पावर फोर एंड सी क्यूब। कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आया होगा, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आप देख सकते हैं हमने इसे सॉल्व किया, इस तरह लिख दिया। तो इसे हम यू भी लिख सकते हैं। और अब आपसे अगर कहा जाए इसे वापसी रेडिकल फॉर्म में ले आइए, तो आप इस तरह करेंगे, इस थ्री को यहां पर लेकर आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इसे सॉल्व करते हैं, वी गेट फोर ए स्क्वायर बी टू द पावर फोर एंड सी क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर पार्ट थ्री। आइए सबसे पहले 128 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 128। नाउ लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। रेडिकल साइन हमने रिमूव कर दिया और दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेवन कैंसिल्ड बाय सेवन,
So we are left with 2. This is a required answer. Now let's go for part 4. आइए सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 7776. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. इन तमाम फैक्टर्स को यहां पर लिख लीजिए. तमाम फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं. यू कैन नोटिस स्क्वायर रूट है तो पेयर बना लीजिए दो दो के. आइए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. इन सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं. Now look, square cancelled by radical sign. Same here and here as well. Look, we are left with this 2, this 2, this 3, and this 3. And finally, we have under root 2 and under root 3. इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू गेट 36. और इन्हें कंबाइन कर दीजिए So this is our required answer. Now let's go for part 5. Question को study कर लीजिए. सबसे पहले हम square को radical sign से cancel कर देते हैं. आइए अब हम 8 के factors निकालते हैं. These are the factors of 8. (125) squared. 8 के factors हैं. यहाँ पर cube है तो हम इन factors को इस simplified form में लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 32. अब हमें दो काम करने हैं. रेडिकल साइन को रिमूव करना है. आप देख सकते हैं इस पर क्यूब है तो इसकी वैल्यू होगी 1/3. आइए अब हम 125 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं. These are the factors of 125. आइए अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं. क्योंकि यहां पर क्यूब है और 125 के फैक्टर्स ये हैं
तो हमें ख्याल रखना है कि इस तरह से फैक्टर्स लिखें कि हमें 3 मिले, यानी कि हम इन फैक्टर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ये स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद है, टू क्यूब्ड, रेडिकल साइन हमने रिमूव कर दिया है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इट्स 1/3। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। टेक द डिनोमिनेटर एज इट इज। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस मेन पावर को तमाम पावर्स जो अंदर मौजूद हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मेन पावर से इन दोनों को। टेक द डिनोमिनेटर एज इट इज। नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस 3 बाय दिस 3 एंड दिस 3 कैंसिल बाय दिस 3। सो वी आर लेफ्ट विद 5 to the power 2 एंड हियर वी हैव गॉट ओनली 2 डिनोमिनेटर, 2 × 32। नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस 2 बाय दिस 2, सो वी हैव गॉट, लुक, 5 × 25 upon 32। दिस इज द रिक्वायर्ड एंसर।